प्राचीन मिश्र की कला। मिश्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में लीबिया रेगिस्तान, पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में नील महाप्रपातों से घिरा है। मिश्र की सभ्यता का विकास लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व हो चुका था। नील नदी से मिश्र को प्राकृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तीनों लाभ थे। इसी कारण यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिश्र को नील नदी का वरदान कहा है। इस समय मिश्र छोटे छोटे कस्बों में विभाजित था, जो परस्पर युद्धरत रहते थे। इन कस्बों में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके पूजा जाता था। मिश्र निवासी बहुदेववादी थे तथा प्रारंभ में लगभग 3,000 देवी देवता अस्तित्व में थे। मिश्र का सर्वोच्च देवता सूर्य था, जिसे रा, रे, प्रा, अमन रा, अटम रा, एटन आदि नामों से अभिहित किया। मिश्र में राजा को देवता व समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। राजा को फारो कहा जाता था, जिसका तात्पर्य है सर्वोच्च भवन। फारो शब्द का प्रयोग सर्वोच्च भवन हेतु किया गया था, जो राजा के महल व उसकी विशालता का द्योतक था, तथा कालांतर में यह शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा और इसे ईश्वर तुल्य माना जाने लगा। असीम अधिकारों के साथ वह निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासक था। राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से इस देश के राजवंशीय इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक राजवंशीय काल, प्राचीन राजवंशीय काल, मध्य राजवंशीय काल, नवीन राजवंशीय काल, परवर्ती काल। प्रारंभिक राजवंशीय काल, जिसका समय 3100 से 2686 ईसा पूर्व था। प्रारंभ में अखेट के विषय लेकर जिन भयंकर पशुओं का चित्रण हुआ, आगे चलकर वे ही विजय सम्राटों के प्रतीक बन गए। इन प्रतीकों में सिंह और वृषभ प्रमुख हैं। भित्तियों पर लगे काष्ठ के अनेक उपकरणों को भी चित्रित किया जाता था। अनेक समाधियों में काष्ठ पट्टिकाओं पर भी चित्रण मिलता है, जिनमें सम्राटों के जीवन से संबंधित दृश्य हैं। पत्थर की तस्तरियों में चित्रित विषय कुछ भिन्न हैं। इनमें हिरणों का पीछा करते शिकारी कुत्ते तथा जाल में उलझे पक्षी प्रमुख हैं। मानवाकृतियों की अपेक्षा पशु आकृतियाँ अधिक सजीव व कुशलता से अंकित हुई हैं। इस विशाल क्रम में अंतिम चरण की आकृतियाँ सम्राट नारमेर के युग की हैं। भूमि की आधार रेखा का चित्रण इसी समय प्रारंभ होता है। राजा का भाव व्यक्त करने के लिए सिंहासन, परिधान, दरबार अथवा सैनिक आदि को उनके साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, इसीलिए उसके साथ देवी रूपों को भी चित्रित किया गया। मिश्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि कही जाती है, जिसका अर्थ है पवित्र चिन्ह। इसमें कुल 2000 चित्राक्षर थे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण सम्राट नारमेर की उत्कीर्ण पट्टिका है, जिसमें 2 चित्राकार हैं, पहला नर अर्थात मछली का व दूसरा छेनी का, जिसका अर्थ मेर था। इस प्रकार दोनों को मिलाकर नरमेर लिखा गया। इस लिपि को लिखने में अधिक समय लगता था, इसलिए द्रुत लिपि का विकास हुआ। इसके पश्चात और भी शीघ्रतर लिखी जाने वाली लिपि का विकास हुआ, जिसे डेमोटिक कहा जाता है। यह आधुनिक शॉर्टहैंड का ही एक रूप था। इसका श्रेष्ठ उदाहरण रोसेटा स्टोन है। मिश्रवासी मृत्यु को जीवन का अंत न मानकर एक घटना विशेष मानते थे। उन्होंने पारलौकिक जीवन की कल्पना बहुत कुछ अपने ऐहिक जीवन के अनुरूप की। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य की एक शक्ति विशेष, जिसको वो का नाम से संबोधित करते थे, का होती है, जो जन्म के समय उसके साथ आती है, जीवन भर उसके साथ रहती है और मृत्युपरांत भी ईश्वरीय न्याय के दिन तक मकबरे में रहती है। मृत्युपरांत उन्हें सभी चीज़ों की आवश्यकता बढ़ती है, जिनकी वे अपने एक जीवन में व्यवहार में लाते रहे हैं। मिश्रवासी अपने फारो, जो ईश्वर के प्रतीक थे, के मृत शरीर को सदियों तक उसी रूप में देखना चाहते थे और वे मृत शरीर को विशेष विधि द्वारा सुरक्षित रखने का उपाय भी जानते थे। मिश्र का वास्तविक इतिहास प्राचीन राजवंश से ही प्रारंभ होता है। मिश्र का राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप इसी युग में निखर कर सामने आया। इस काल में तीसरे राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक के शासकों ने लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। इन 3 राजवंशों के फारो ने केवल विजय अभियानों में रुचि लेते थे, अपितु वे निर्माण कार्य में भी उतने ही मनोयोग से सहयोग देते थे।
इस काल में स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ और इसी कारण इस काल को पिरामिड युग तथा फारोह को पिरामिड निर्माता कहा जाता है। तृतीय राजवंश से छठे राजवंश तक शासकों ने गगनचुंबी त्रिभुजाकार दिखाई देने वाली समाधियों का निर्माण करवाया। मिस्र की आधुनिक राजधानी कायरो के दक्षिण में मेमिफ्स नगर के आसपास आज भी लगभग 70 पिरामिड अवस्थित हैं। इसमें आत्मा को दीर्घजीवी बनाने हेतु प्रत्येक मृतक के साथ कब्र में भोजन सामग्री, हथियार, सुख सुविधा की वस्तुएं, मनोरंजन के साधन, मृतक के प्रिय व्यक्तियों व दास दासियों को भी गाड़ दिया जाता था। शव को रासायनिक क्रियाओं द्वारा लेपित कर रखा जाता था जिससे शरीर यथावत रहता था। इसे मम्मी कहा जाता है। चतुर्थ राजवंश के तीन प्रभावशाली शासकों ने गीजा के पठार पर महान पिरामिड बनवाए। सम्राट खुफे, जो चतुर्थ राजवंश का दूसरा शासक था, राज्य विस्तार के साथ ही कला व संस्कृति का भी विकास किया। उसने विपुल धनराशि लगाकर गीजा में हजारों मजदूरों की सहायता से 13 एकड़ भूमि पर 450 फीट ऊंचे पिरामिड का निर्माण करवाया, जो 23 लाख प्रस्तर खंडों द्वारा 20 वर्षों में पूर्ण हुआ। यह ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा नाम से विश्वविख्यात है तथा प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। मध्य राजवंशीय काल। राजवंश के पतन के साथ ही मिस्र के प्राचीन राजवंश या पिरामिड युग का अवसान हो गया और लगभग 150 वर्षों तक मिस्र में कलात्मक विकास की धारा अवरुद्ध रही। मध्य युग का 12वां राजवंश प्रगति का केंद्र बिंदु था। इस समय में प्रशासनिक कुशलता, आर्थिक संपन्नता, कलात्मक प्रगति, साहित्यिक श्रेष्ठता व सांस्कृतिक उत्कर्ष का क्रम अबाध गति से चलता रहा, जिसके कारण इतिहासकारों ने इस राजवंश के शासनकाल को श्रेष्ठ युग या स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। सांस्कृतिक विकास की पराकाष्ठा के इस काल में संपूर्ण मिस्र, विशेषकर थेब्स, सुंदर महलों, भव्य व आकर्षक मंदिरों, विशाल पिरामिडों तथा अन्य उत्कृष्ट कलाकृतियों से भर गया। 12वें राजवंश का संस्थापक अमेनेमहत प्रथम था, जो संभवतः 11वें राजवंश के अंतिम शासक का वजीर था। इस सफल योद्धा और विजेता ने मिस्र पर 30 वर्षों तक शासन किया और मिस्र का हर क्षेत्र में विकास किया। मध्य राजवंशीय काल मूर्तिकला के विकास में भी अछूता नहीं रहा। इस समय मूर्तिकला में एक नवीन पद्धति विकसित हुई जिसे स्मारकीय मूर्तियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की मूर्तियां अधिकांशतः घुटनों के बल नीचे बैठे व घुटनों पर हाथ रखे, सीधे खड़े या उच्चासन पर बैठे हुए, लंबा सीधा शरीर से चिपका हुआ जामा पहने बनाई गई। उनमें केवल मुख पर ही बारीकियों को उभारा गया जिससे ज्ञात हो सके यह किसकी मूर्ति है। तत्कालीन मूर्तिकारों के ऊपर विभिन्न राजकीय नियंत्रण होते थे और सम्राटों की इच्छा एवं अभिरुचि के अनुरूप ही उन्हें मूर्तियां गढ़नी होती थी। फिर भी मूर्तियों की कारीगरी व उनकी विशालता प्रशंसनीय है। नवीन राजवंशीय काल एमोज प्रथम द्वारा स्थापित 18वें राजवंश के साथ ही मिस्र के इतिहास में प्रथम साम्राज्य का प्रारंभ होता है। उसने मिस्र की आंतरिक व्यवस्था में सुधार किया, हिक्सास जाति को परास्त कर सीरिया, सूडान, फिलिस्तीन तथा पश्चिम एशिया आदि क्षेत्रों में आधिपत्य किया। एमोज ने स्वयं के लिए अबेडस में पिरामिड बनवाया तथा उसकी शव पेटिका दिर अल बहारी से मिली। हिक्सास शासन के पतनोपरांत उनके हृदय में साम्राज्य निर्माण करने की उत्कंठ एवं बलवती अभिलाषा ने जन्म लिया। फलस्वरूप साम्राज्य युग के शासकों ने साम्राज्य विस्तार किया जिसमें उन्हें अपार सफलता मिली। एमोज प्रथम के बाद उनके पुत्र अमेनेहोतेप के शासनकाल में कला की उन्नति नहीं हुई। इसके बाद थुतमोस प्रथम, जो महान कला प्रेमी था, उसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। तत्पश्चात हत्शेपसुत मिस्र की पहली महिला साम्राज्ञी बनी जिसने 22 वर्षों तक शासन किया। हत्शेपसुत ने बेनी हसन में पाखेत का मंदिर बनवाया। उसके बाद थुतमोस तृतीय ने 50 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया, यद्यपि उनमें से अधिकतर नष्ट हो चुके हैं और लेखों में ही उल्लिखित हैं। 20वें राजवंश का अंतिम शासक रामसेस तृतीय था, जिसके पश्चात साम्राज्य युग का पतन हो गया। परवर्ती काल, जिसका समय 664 से 332 ईसा पूर्व रहा। 21वें राजवंश से 25वें राजवंश तक का समय मिस्र के इतिहास में अवनति का काल रहा। इस समय पुरोहित वर्ग एवं लीबिया का आधिपत्य हो गया था। कसाइट व असीरियन भी उभरने लगे थे। ऐसे समय में
समतिक प्रथम ने असीरियन साम्राज्य को समाप्त कर 26वें राजवंश की स्थापना की, जिसे साइथ युग के नाम से जाना जाता है। इसमें मिस्र में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया गया तथा यूनानियों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। धीरे धीरे मिस्र में फारसी शासक भी शक्तिहीन होने लगे थे। ऐसे विषम समय में सिकंदर महान ने मिस्रवासियों को विश्वास में लेकर फारसी शासन को समाप्त कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सिकंदर महान की मृत्यु के पश्चात उसका सेनापति टालेमी प्रथम मिस्र का शासक बना। टालेमी राजवंश ने 3 शताब्दियों तक मिस्र पर शासन किया, जिसमें षड्यंत्र व पारस्परिक कलह महत्वपूर्ण थे। 48 ईसा पूर्व मिस्र में रानी क्लियोपेट्रा सप्तम व टालेमी चौदहवें के शासनकाल में महान विजेता व रोमन तानाशाह जूलियस सीजर का पदार्पण हुआ और क्लियोपेट्रा का साथ देने के कारण जूलियस सीजर ने टालेमी चौदहवें से युद्ध किया और उसने अलेक्जेंड्रिया पर घेरा डालकर मिस्र की बहुमूल्य महान विरासत को नष्ट कर दिया। 30 ईसा पूर्व मिस्र पर रोम का आधिपत्य हो गया। अंत में मिस्र 639 ईस्वी में अरब राष्ट्र में परिणत हो गया और इस प्रकार मिस्र की 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता व पृथक राजनीतिक अस्तित्व का अंत हो गया।